तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग सब लोग। तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा फ्री फायर के अंदर आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूबर लोग प्रैंक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर वो नेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सामने बंदे आए थे मेरे, रेंडमली मैं गेम खेल रहा था और सामने जो मेरे एनिमी आए थे वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, मतलब वो जो है अपने आप एलिमिनेट हो रहे थे। तो गाइस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि उनके प्रैंक का मुंह तोड़ जवाब जो मिलने वाला है। देखो अपने आप अपने अपने ग्रेनेड से वो मर रहे थे, ठीक है। तो सबको पता है कि इस प्रैंक के अंदर जो है एनिमी 3 राउंड तक अपने आप एलिमिनेट होते हैं, चौथे राउंड के अंदर सामने वाले एनिमी को मारते हैं यानी कि हमें मारेंगे। तो कितना मजा आएगा वीडियो के एंड में जब वो चौथे वाले राउंड के अंदर हमें मारने के लिए आएंगे, क्योंकि मेरे जो टीममेट है सारे रेंडमली आए थे और इनको इतना पता नहीं था, ये बस उनको मारे जा रहे थे, इनको पता भी नहीं था कि वो खुद में खुद एलिमिनेट हो रहे। देख सकते हो मैं यहाँ पे पूरा स्क्वाड उनका एलिमिनेट हो गया। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्री फायर के अंदर भी मज़ा आ रहा है क्योंकि प्रैंक चल रहे हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं, कालारी नया मैप आ रहा है और सेकंड पारी स्टार्ट हो गई है। और इसके अंदर क्लिस स्क्वाड के अंदर 4 पारी होती है जिसके अंदर आपको विन करना रहता है, 3 या 4 तो आप विन कर लेते हो, ठीक है। तो बंदे जो है आसानी से अपने आप एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे वो उनका वापस से जब स्टार्ट होगा तो वो जो है एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब पूरी तरह से चिमकांडी गिरी कर रहे हैं वो, मतलब मज़े ले रहे हैं हमारे कि भाई शाम। इससे तो मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे भी देखे जो अपने अपना जो नेट है उसको ऑन रखते हैं, ठीक है, बट खड़े रहते हैं जैसे चाहे एनिमी जाके उनको मारते हैं तो समझते हैं कि इनका चारों का नेट हो चला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। वो करना भी चाहिए, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, सिंपल सी बात है, उसको सीरियस लेके मत चलो। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप एक गेम को गेम की तरह लेकर चलोगे। मैं भी 2-4 दिन में वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स आ गए हो, प्रिपरेशन करनी है आप लोगों की भी आ गई है, आप लोगों ने भी कम कर लिया होगा खेलना। तो गेम को गेम की तरह लेकर चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखोगे और शेयर भी करोगे तो मेरे को भी मज़ा आएगा क्योंकि शेयर करना ज़रूरी होता है इस टाइप के वीडियो अपने को। बस गेम को गेम की तरह लेना है और मज़े करना है। और देख सकते हो यहाँ पे जो है शायद उन बंदों में से एक एनिमी के सब्र का बांध टूटा है और उसने देख सकते हो फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हालांकि वो भी वापस से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसको भी चौथे राउंड का वेट करना है, क्योंकि ये जो हीरो जो गिरी करते हैं कि भाई चौथे राउंड के अंदर सबको मार देंगे हम एक साथ, तो ये हीरो गिरी चलने वाली नहीं है क्योंकि सामने मैं हूँ, वैसे कोई ना इतना अच्छा नहीं खेलता हूँ, बट जब बात मान सम्मान की आती है ना तो नू बंदा भी तगड़ा खेलता है, ऐसा होता है ना भाई लोग, क्योंकि उसको पता होता है। और मेरे को तो ऑलरेडी पता था कि चौथे राउंड के अंदर ये मेरे ऊपर वार करेंगे, तो मैं पहले से ही मेरी जो है रेडी कर लूँगा, सब ग्लू वॉल वगैरह ये देख सकते हो यहाँ पे सारे जो है एलिमिनेट हो गए। अभी तक मेरी टीममेट के भी सबके 0-0 किल हैं और सामने वाले जो एनिमी है अब यहाँ पे आ गया है चौथा राउंड, और मेरे टीममेट गलती कर देंगे कि एकदम से उनके ऊपर रश कर देंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो जो सामने वाले बंदे जो है प्रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो और सामने वाले बंदों को ऑलरेडी पता है कि इस वाले राउंड के अंदर अपने को विन करना है, एडी से लगा कर चोटी तक का जोर करना है, और मैंने मेरे को पता था इसलिए मैंने ऑलरेडी 6 ग्लू वॉल बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि इस बार जो है वो धमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं भी मेरी तरफ से रेडी था, और यार सामने जो बंदे थे वो जो प्रैंक कर रहे थे वो भी बड़े तगड़े बंदे थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई नूब थे, बड़े तगड़े बंदे हैं, देख सकते हो। मज़ा जब आएगा जब अपन उनसे जो है फाइट लेंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाते हैं, और भाई लोग AN94 अभी जो है वैसे बहुत ही इसके अंदर ऑप्टिमाइज होने वाला है अपडेट से अपडेट के बाद, बट अभी भी बड़ी तगड़ी चलती है यार, रेट ऑफ फायर इसका डबल है और बड़ा तगड़ा हेड मारती है। देख सकते हो मेरे एक बंदे को तुरंत नॉक कर दिया क्योंकि उनको जो पता है इस वाले राउंड के अंदर उनको उनकी लड़नी है, मतलब हमें जो है शौक करना है कि भाई वो भी तगड़े बंदे हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि सामने भी बहुत आर्मी है ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभी बात हो जाती है इसी मान सम्मान की, तो मज़ा आता है फिर, ठीक है। देख सकते हो मेरे तीनों चारों बंदों को एक साथ खा गए, वो मैं अकेला बचा हूँ और वो 4 बचे हैं, और अब उनका टारगेट सिंपल सी बात है मैं ही हूँ, ठीक है। बट इतनी आसानी से अपन उनके जाल में फंसले वा नहीं है, और एक आ गया है, और ये वाली शॉटगन बड़ी तगड़ी शॉटगन है, तुरंत एक ग्लू वॉल लगाई और एक फटका पड़ गया इसको, चल चिमगाटी सो जा। तो एक तो गया, मतलब बचे 3 और, ठीक है। तो अपन यहाँ से अपना अपना जो भी करना है कर लेते हैं और बाकी के टीममेट्स को भी आने देते हैं, ठीक है। तो एक तो गया, शायद अब 2 या फिर 3 और बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे हैं, बट जितने भी बच्चे देख लेंगे कोई ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो मैंने मार दिया है ना, और बाकी के टीममेट अब ओबियसली मेरे ऊपर रश करेंगे ही, तो एक और आया है, एक चिमगांडी और आया है जो कि ग्लू वॉल लगा ली, बड़ा तगड़ा, मतलब अपने आप को फुल फॉर्म में बता रहा है कि हाँ भाई हम भी खेलने वाले हैं, बट कोई ना चिंता मत कर बेटा मैं भी हूँ, ठीक है। तो ये ले तो फिर हाँ, तो भाई एक बड़ी खोपड़ी खुल गई इसकी तो खोपड़ी खोल दी इसकी, तो भाई
क्या तगड़ी गन यार ये, मतलब इसको तो रैंक से बाहर निकाल लेना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि बड़ी बेकार सी गन है, रैंक गेम के अंदर बड़ा बेकार सीन होता है इस गेम का। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर आप हथौड़ा मारो, हाथ बड़ी को अंगूठा मारो, कुछ भी मारो बट उसको मारो यार सब्सक्राइब वाले बटन को बस। और शेयर वाले पे भी एक बार क्लिक कर देना यार, देखते शेयर होता है कि नहीं होता है वीडियो, ठीक है? यूट्यूब का बग तो नहीं है, चेक कर लेना एक बार। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है एक ही बंदा बचा है जो कि उस घर के अंदर, और भाई हेट बढ़ गया उसको भी। और तो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे प्रैंक थोड़ा सोच समझ के करना, बंदे कुछ भी मतलब प्रैंक करने लग जाते हैं बस उड़ उड़ के, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे ये भी खत्म। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आज की वीडियो में इतने गाइस, ठीक है? मिलेंगे शाम तक के वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे मार्क्स लाओ, परिवार का नाम रोशन करो, ठीक है?